है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो उसके लिए इसके पत्तों का पाउडर करके रात को एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ में लिया जाता है। लेकिन इसका प्रयोग लंबे समय तक अगर आप करते हैं तो ये आपकी आंतों को खराब कर देती है। जब तक आप इसका प्रयोग नहीं करोगे तब तक आपके लेटरिंग जो मल है उसका त्याग नहीं होगा, इसलिए इसका प्रयोग केवल निश्चित समय के लिए ही किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग वजन को कम करने के लिए भी किया जाता है। वजन को कम करने के लिए इसका पत्तियों का पाउडर करना है और साथ में बराबर मात्रा में हरड़ का पाउडर करना है। दोनों को मिक्स करके अगर आप गुनगुने पानी से रोज रात को सोने से पहले करते हैं तो इससे विरेचन होगा। विरेचन का मतलब होता है दस्त लगना। विरेचन एक पंचकर्म की प्रक्रिया होती है, तो इसके उपयोग करने से विरेचन होता है। उस विरेचन जैसे जैसे करते हैं तो आपका बॉडी का जो वेट है वो कम होने लग जाता है और जो एक्स्ट्रा फैट आपके बॉडी में जमा होता है वो धीरे धीरे बर्न होने लगता है। दोस्तों, ये औषधि आपको फ्री में मिल तो जाएगी, लेकिन इसके फायदे के साथ साथ में नुकसान भी है। नुकसान इस तरह से हैं क्योंकि अगर आप लंबे समय तक इसका प्रयोग करते हैं तो यह आपके आंतें खराब कर देती है। आंतें इसलिए खराब कर देती है क्योंकि इस आंतों को इसकी आदत लग जाती है, यानी लत लग जाती है कि जब तक आप सनाई नहीं लोगे तब तक आपका पेट साफ नहीं होगा। तो जब भी आप सनाई का प्रयोग करें तो किसी वैद्य या डॉक्टर की देखरेख में करें या फिर पूरी उचित नॉलेज के साथ में करें। और एक बात और, जो भी आप लेक्सिटिव लेते हैं या फिर जो भी कब्ज का पाउडर चूर्ण लेते हैं तो आपको सबसे पहले उनमें देख लेना चाहिए कि कहीं सनाई की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है। अगर सनाई की मात्रा ज़्यादा है तो लंबे समय तक उस पाउडर का प्रयोग कभी भी मत करना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, नई जड़ी बूटी के साथ में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ ऐसी जड़ी बूटियाँ जिन्हें यूज करके आप अपना इलाज खुद घर बैठे एकदम फ्री में कर सकते हैं।